सो हे गाइस, कैसे आप? तुम्हें स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट टोटल ब्लैकआउट के बारे में। तो मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट मिड एयर में फ्लाई कर रहा है और उसी टाइम पे उस एयरक्राफ्ट की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। कई बार हमारे मोहल्ले में कई घंटे के लिए लाइट चली जाती है और उस टाइम पर हमारा हाल बेहाल हो जाता है, और स्पेशली तब जब हमारे मोबाइल में चार्जिंग ही ना हो। मान लीजिए आप किसी एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हो और मिड एयर में जहाँ पर कोई भी बैकअप नहीं है वहाँ पर एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, उस टाइम पर एयरक्राफ्ट का क्या होगा? क्या एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएगा या फिर कहीं एयरक्राफ्ट जाकर क्रैश होगा? तो चलिए जानते हैं। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो। और अगर आपके भी मन में ऐसे कुछ अतरंगी सवाल आते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो हवाई जहाज़ में टोटल ब्लैकआउट होने के बाद क्या होगा, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से। तो एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी आने के टोटल 5 तरीके होते हैं, जो कि कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करते हैं कि कौन सा यूज़ हो रहा है। सबसे पहला ग्राउंड पावर यूनिट। जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर होता है उस टाइम पर आपने एयरक्राफ्ट के सामने एक छोटा सा डिब्बा दिखा होगा जो कि वायर से एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड है, वही है ग्राउंड पावर यूनिट। दूसरा APU, जो कि एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में लगा हुआ होता है। जब आप ऑनबोर्ड करते हो तो उस टाइम पर आपको एक साउंड सुनाई देता है और वो साउंड APU का ही होता है। दूसरा इंजिन्स। एयरक्राफ्ट के दोनों इंजिन्स में एक एक जनरेटर्स लगे होते हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट की बैटरी और चौथा रैट यानी रैम एयर टरबाइन। तो टोटल ये 5 तरीके होते हैं एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के, जिसमें से बैटरी और रैट रेयरली यूज होता है एकदम इमरजेंसी कंडीशन में। बाकी ग्राउंड पावर यूनिट, APU और इंजन में फिट गए जनरेटर्स, ये नॉर्मली ही यूज़ होते हैं। तो ये 5 अलग अलग सोर्सेस होते हैं एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, जो कि लगभग हर कमर्शियल एयरप्लेन में होते ही है। अब इन सभी का एक ही टाइम पर फेल होना लगभग नामुमकिन है, और अगर ये एक एक करके फेल होते भी गए, जब तक ये सारे रिसोर्सेस फेल हो जाएंगे तब तक आप किसी ना किसी नज़दीक के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके होंगे। बट यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एयरक्राफ्ट हवा में ही है और ये सारे रिसोर्सेस एक एक करके फेल हो गए, तो क्या आपका प्लेन फिर भी लैंड हो पाएगा या फिर कहीं जा कर के क्रैश हो जाए? तो दोस्तों, अगर ये सारे रिसोर्सेस फेल हो गए तो एक ही उपाय बचता है, जो कि है एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग का। आपने बचपन में बहुत बार कागज़ के प्लेन बनाकर फ्लाई किए होंगे, और जब आप उस प्लेन को हवा में फेंकते हो और वो अपने आप नीचे आता है और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर जा कर के लैंड हो जाता है, उसी को कहते हैं एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग। तो नॉर्मली अगर हम किसी ग्लाइडर का ग्लाइडिंग रेशियो देखें तो सबसे हाइएस्ट ग्लाइडिंग रेशियो है 70:1, यानी अगर कोई एयरक्राफ्ट 70 फीट आगे जाएगा तब जा कर के वो 1 फीट नीचे आएगा, यही होता है ग्लाइडिंग रेशो। यानी एयरक्राफ्ट सीधे सीधे कितने फ्लाई करता है डिवाइडेड बाय एयरक्राफ्ट उतने डिस्टेंस फ्लाई करने के बाद कितना नीचे आता है, और ये हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग रेशो दिया गया रहता है। और ये कैपेबिलिटी हर किसी एयरक्राफ्ट में होती है, बट उसका डिस्टेंस डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, और ये नंबर मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट बिना पावर के कितने डिस्टेंस तक ग्लाइड कर पाएगा। अगर हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करें तो उनका रेशियो कुछ 17:18 या फिर 18:1 इसके बीच में होता है, जो कि कंफर्म नहीं होता, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। बट हाँ, कोई भी कमर्शियल एयरप्लेन 20,000 से 30,000 फीट में कोई भी फेल्योर आता है तो वो एयरक्राफ्ट आराम से किसी ना किसी नज़दीक वाले एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर जाता है। तो दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एयरक्राफ्ट में कोई भी मैकेनिकल फेल्योर आता है एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्फेसेस, तो आपका एयरक्राफ्ट किसी ना किसी सेफ जगह पर आराम से लैंड कर जाएगा। सो दिस इज़ फॉर इट गाइज, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।